गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। इस जीत के पीछे बीजेपी का बूथ लेवल पर मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सही रणनीति काम आई है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवा दी है। हिमाचल में कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी हिमाचल में क्यों फेल हुई और गुजरात में पास, और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रही। गुजरात में इन वजहों से बीजेपी को मिली बड़ी जीत। गुजरात में बीजेपी ने 182 सीटों में से 150 सीटों पर जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे पीएम मोदी का चुनाव प्रचार और अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति है। साल 2017 में गुजरात में बीजेपी डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन 2022 में एक बार फिर से बीजेपी ने बड़ा मैसेज दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने गुजरात में अपनी जीत के पीछे दो बड़े कारण बताए हैं। पहला, बीजेपी की चुनाव लड़ने की शैली। हम चुनाव प्रचार बड़े जोश के साथ करते हैं और इसमें हमारा बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता शामिल रहता है। दूसरा, विपक्ष के वोटों में बंटवारा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से विपक्ष के वोटों में बड़े स्तर पर बंटवारा हुआ है, तो वहीं राज्य जो भी बीजेपी विरोध आंदोलन हुए उसमें राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे। यही नहीं, कांग्रेस राज्य के कार्यकर्ता भी इन आंदोलनों से दूर ही रहे थे। हिमाचल में क्यों हारी बीजेपी। गुजरात में बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम मोदी और शाह को दिया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी दोनों नेताओं ने प्रचार किया था, फिर बीजेपी हार कैसे गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने एक्सप्रेस को बताया है कि हिमाचल में पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट से चूक गई। इसके पीछे की वजह यह है कि वहां का पार्टी कैडर किसी एक नेता के पीछे एकजुट नहीं हो सका। हालांकि बीजेपी इसे हार की तरह नहीं देख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगभग 76% वोट शेयर के साथ अपनी सीट सिराज पर जीत हासिल कर ली है। तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर 43% था, जो कांग्रेस से सिर्फ 0.9% कम है। इन मुद्दों के नजरअंदाज से हारी बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि सशस्त्र बलों में नौकरी करना राज्य के अधिकांश युवाओं की महत्वाकांक्षा है। यही वजह है कि मोदी सरकार की सशस्त्र बलों में शामिल होने और पेंशन के बिना सेवानिवृत्त होने की अग्निवीर योजना ने वहां पर नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बीजेपी को पेंशन भोगियों को बेहतर लाभ देने के नाम पर मौजूदा पेंशन योजना से छेड़छाड़ करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। क्या आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य में चुनाव लड़ा था, लेकिन हिमाचल में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि गुजरात में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और लगभग 20% वोट हासिल किए हैं। आंकड़ों के आम आदमी पार्टी को जो भी वोट गुजरात में मिले हैं वो विपक्ष का है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि आपने कांग्रेस को गुजरात में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस चुनाव में आप अब राशि दर्जे की पार्टी बन गई है। तो ये थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव रिजल्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।